हेलो गाइस, मेरा नाम कृष्णा। आप देख रहे हो हमारे यूट्यूब चैनल एमपी 73। OP43 के अपडेट्स में लेके आया हूँ क्या क्या नए अपडेट आने वाले, सब के सब बताऊंगा। कहाँ से शुरू करूँ, क्या यहाँ से बताऊँ, भाई साहब इतने सारे इतने प्यारे प्यारे नए अपडेट आए हैं। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूँ हमारी लॉबी की, तो लॉबी कुछ इस प्रकार की लाल कलर की होने वाली, शायद ये रैम्पेज थीम पे बेस्ड होगी। अपडेट के बाद आपको एक ये नई वाली शायद फ्री में मिलेगी, ये वाली स्काइविंग आपको फ्री में मिलेगी, देखने को मिलेगा। इसमें चारों के चारों बंदे आप एक साथ उतर सकते थे। यार अगली वाली जो पिछले बार आती थी ना, उनमें हम चार बंदे एक साथ नहीं जंप कर पाते, लेकिन इसमें तो चार बंदों को बैठने की जगह है, शायद चार ही बंदे एक साथ ही एक ही स्काइविंग में बैठ के उतर सकेंगे। कुछ इस प्रकार का इसका सिस्टम है। और मुझे तो लग रहा है जैसे हम किसी प्लेयर को अनफॉलो करेंगे तो जो उसके आसपास की जो पंखुड़िया है, तो वो पंखुड़िया ये पंखुड़िया अलग हो जाएंगी, यानी कि जो जो रहेगा तो पीछे वाला अनफॉलो करेगा तो वो छूट जाएगा और उसका पैराशूट खुल जाएगा, और साइड में जो है गोल गोल दिख रही है ये चीज हट जाएगी अगर वो कोई अनफॉलो करेगा तो। अब हम बढ़ते हैं हमारे अगले अपडेट की तरफ। तो अगला अपडेट हमारा होने वाला है ओल्ड फ्री फायर से रिलेटेड। तो ओल्ड फ्री फायर में जो हमारा सेफ जोन आता था, यानी कि जो हमारा डेंजर जोन आता था, तो डेंजर जोन इससे आ गया है। इस अपडेट में के बाद हमको फिर से हमको डेंजर जोन देखने को मिलेगा। ये मुझे थोड़ा सा अजीब सा और इंटरेस्टिंग सा फैक्ट लगा कि जब हम भी लैंडिंग करेंगे तब हमारे हाथ में यूएमपी गन ऑलरेडी आएगी। क्या ये फिस्ट फाइट को खत्म करेंगे? ये मतलब कि भाई क्ला की कैरेक्टर एबिलिटी भी अगले अपडेट तक चेंज होने ही वाली है। अगर सबके हाथों में गन ऑलरेडी आएगी सही जंप करते ही, तो कौन फिस्ट फाइट लेगा? इस चीज के बारे में आप क्या सोचते हो कमेंट करके जरूर बताना। इस अपडेट में एक और नई स्नाइपर देखने को मिलेगी जो कि है VSK94, यानी कि VSSS की जैसे ही एक दिखने वाली गन है जिसका नाम है VSK94। तो देखते हैं हम इस स्नाइपर को कितना अच्छा चला पाते, क्या डबल स्नाइपर की तरह चला पाएंगे, क्या इसको भी बाद में कम कर दिया जाएगा। जैसे AWM सबसे खतरनाक स्नाइपर थी अभी के टाइम पे, तो क्या आने वाले टाइम पे ये वाली गन सबसे खतरनाक रहेगी? अभी देखो यहाँ पे सामने बंदा है, मैं इसको मारता हूँ, इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है। शायद ये एडवांस सर्वर में या फिर मेरे को पता नहीं कि नॉर्मली है, लेकिन इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। दुनिया बहुत एडवांस हो रही है तो फ्री फायर भी तो एडवांस होगा ना। अब आपको हर जगह पर मशरूम नहीं साइबर मशरूम देखने को मिलेगी, कुछ इस प्रकार की साइबर मशरूम देखने को मिलेगी। आप इनको जैसे यूज मारते हो तो आपको आसपास कुछ ऐसा हील मिल जाएगा। जरूरी नहीं है कि वो सिर्फ एक तरह की मिलेगी, आपको बहुत ज्यादातर की मिलेगी। किसी से मूवमेंट स्पीड ज्यादा मिलेगी तो किसी से HP मिलेगी, किसी से मिलेगी कुछ, सब इसी प्रकार की आपको कुछ मिलेगी, कुछ टाइम में आपकी पूरी HP फिल कर देगी। ये अपडेट भी मुझे तो काफी बढ़िया वाला लगा, आपको कैसा लगा कमेंट में बताना। अब इस अपडेट में अर्सेनल के अंदर चोर घुस गए थे, तो चोर ने ताला भी तोड़ दिया और थोड़ा बहुत प्लास्टर भी करके चले गए। तो अब ये भी एडवांस तरीके कुछ दिखेंगे, कुछ ऐसा प्लास्टर करा हुआ दिखेगा, और इसमें आपको अभी की से ओपन करने की जरूरत नहीं है, कोई गेट नहीं देखने को मिलेगा, ये डायरेक्ट ही ओपन मिलेंगे आपको अर्सेनल। ये अपडेट भी ठीक ठाक सख्त था। अपडेट के पहले आपको सिर्फ एक ही मॉन्स्टर ट्रक देखने को मिलती, पूरे मैप में एक ही मॉन्स्टर ट्रक ड्रॉप होती, लेकिन अभी अपडेट के बाद आपको एक से ज्यादा मॉन्स्टर ट्रॉप देखने को मिल जाएगी, जिससे आपको मतलब ज्यादा टीम भी मॉन्स्टर टीम को मॉन्स्टर ट्रक को यूज मार सके। जब हम शॉपिंग पर जाते हैं तो हम किसी विश लिस्ट काम करते हैं कि हमको ये चीज चाहिए, तो उसकी एक लिस्ट बनाते हैं। कुछ उसी प्रकार की लिस्ट अब फ्री फायर में भी आने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हो नीचे की तरफ एक हार्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है, जिसे आप हार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो वो एक विश लिस्ट में एड हो जाएगा, और वो विश लिस्ट वाली आईडी वो जो हमको भी सामान जाएगा वो हमारे प्रोफाइल में विश लिस्ट वाले ऑप्शन पर जाकर हम देख सकेंगे कि हमको किस किस चीज को भी परचेस करना है। ये तो लूटने का साधन था भैया, लूटने का। अब जब भी आपको कोई प्लेयर किल कर देता है तो आप उसकी स्किल्स कॉपी कर सकते हो। देखो यहाँ पे एक सामने कॉपी वाला ऑप्शन आ रहा है, तो आप जैसे भी उस कॉपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो आपके यह जो क्लिपबोर्ड में है इसकी स्किल है सारी की सारी कॉपी हो जाएगी, और इसको आपको जाना है और इसको यूज करने के लिए आपको जाना होगा आपके प्रेजेंट वाले ऑप्शन पर। प्रेजेंट वाले ऑप्शन पर आप जैसे क्लिक करोगे ऊपर आपको एक पेस्ट वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा कॉपी के साइड में पेस्ट, तो आप जैसा पेस्ट करके कन्फर्म करोगे तो आपका जो उस एनिमी ने कैरेक्टर स्किल इक्विप कर रखा था वो का वो सबका सब आपका ऐसा ऐसा इक्विप हो जाएगा। न्यू लोड आउट सिस्टम मुझे बहुत ऑसम सा लगा। ऑसम सा क्यों लगा, इसकी रीजन देखो। कुछ इस प्रकार के आपको लोड आउट देखने को मिलेंगे और लोड आउट की लेवल देंगी, अगर आप जैसे जैसे किल करते जाओगे ना तो उस प्रकार से उसको ऑप्टेंड होता जाएगा। एग्जांपल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो, जब आप एक बंदे को किल करोगे, किल से मतलब नहीं, आप जैसे किल करते जाओगे आपकी लेवल इंक्रीज होती जाएगी। आप जैसे जैसे गेम प्ले खेलते जाओगे तो आपको फर्स्ट वाले पे तो आपको AI सप्लाई क्रेट मिलेगा, सेकंड वाले पे आपको समन एयर ड्रॉप मिलेगा, थर्ड वाले पे आपको कुछ ओरिजिन मिलेगी। कुछ इस प्रकार का अलग अलग लोड आउट का अलग अलग काम रहेगा। आज के अपडेट के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, और भी अपडेट मुझे पता चलेंगे तो मैं आपको वीडियो डालकर इन्फॉर्म कर दूंगा, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।